और जो कुछ भी धरती पे कुछ भी हिलाने से गिर ही जाता है, सब में दीजिए कोई भी बात में बोल ली वही हो रही है। तारा घर से कभी बैठा वाला नहीं था, दूल्हे ने बैठ गया, हम सबका के बैठा दे, बैठा है ना, तारा का देखे थोड़ी है, बोलो खेसरिया का देखे बड़ा सब आज खेसारी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि देखिए लोग काम कर सीढ़ी लगा के और ऊपर चल जाओ, हम खुले भगवान से बोले लेकिन भी चलो भगवान आदमी दूरबीन लगा उतार दीबे नहीं मिले हैं आप, मिले है लेकिन प्राइवेट मिले हैं, कभी पार्टी में मिल गए तो वह 20 आदमी का पार्टी होता है, कभी फंक्शन में मिल गए तो वह 40 आदमी होता है, अब आज 5 लाख पब्लिक में तो पहली बार मिले हैं ना, ये लोग ये सब लड़के इस दुनिया में सबसे बताए कि मैं शादी शुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिनेमा में हीरोइन के मांग में सिंदूर डालता हूँ, सिनेमा में सुहाग रख मनाता हूँ ना, वह भी जब लड़के हो जाता है होता है कि नहीं होता, वो अलग मैटर है कि दिखाया नहीं जाता है कि कहाँ से निकला है वो अलग मैटर है, लेकिन लड़के होता है ब्याह होता है सुहाग सीखा, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्ती और शायद आजीवन दोस्त रहेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है एक दूसरे से, किसके साथ झगड़ा तगड़ा नहीं होता, कभी जगह पे बहुत बड़े हो सकते हैं, ये अपने जगह पे बहुत बड़ी है और हर आर्टिस्ट अपने जगह पे बड़ा ही होता है, और अक्षरा को ये भी कहा जाता है कि भाई मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है, तो शेरनी के मतलब ये होता है कि किसी का बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि जिसको काम आता है वो किसी का बर्दाश्त नहीं, जिनको लड़कियां अपनी आइकॉन मानती हैं, जिनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं, तो मेरी शुभकामना है अक्षरा जी आपके लिए कि ऐसे ही आप पूरी दुनिया का भी तो पूरी तीन राज्य की बनी है आइकॉन, मुझे मैं चाहता हूं कि पूरे 140 करोड़ जनता के आइकॉन बने आप, मेरी शुभकामना, आई लव यू, हमारा इलाज में होता सतरा, हमारा इलाज में कीड़ा पड़ल बता, मैंने हमारे किरदार बता,
कहीं नहीं, आज आप ही इन्हीं से प्यार करते हैं, हम भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हमारा अस्तित्व इन्हीं की वजह से है। अगर आज ये मोहब्बत नहीं की होती तो शायद आज ऐसा नहीं है। हमारे बहुत लोगों के पास हुनर है, लेकिन सब आप सबका प्यार है, हर आदमी को आगे बढ़ाना है, आप सबसे मोहब्बत करके। थैंक यू सो मच। चलिए दीपावली हम क्यों मनाते हैं और दीपावली के शुभ अवसर पे, हाँ मुझे भी प्रॉब्लम लग रहा है, बाहर आवाज नहीं जा रही है तो थोड़ा इधर है आई। तो राम जी की बात है, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब हम लोगों ने दीपावली मनाया था, तो उसी भगवान राम के लिए हनुमान के लिए एक गाना था। कंट्रोल नहीं हो रहा, आवाज बहुत, ये तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए।
रवि जी, आप आपका साउंड का इतना बड़ा नाम है और आप ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बैक बैक से आवाज भी आ रही है, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे ना, शायद आवाज हमारे इंस्ट्रूमेंट को मिले, तुम लोग को बजाने में दिक्कत। जितने भी हमारे बाबू आप लोग बक्स से उतर जाते क्योंकि सारा श्रृंगार उसी पे, वो अगर खत्म हुआ तो कार्यक्रम बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितने भी हैं आप लोग को ज्यादा दिक्कत है तो वो लड़का बन था, लेकिन कितना सज्जन लड़का है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा फूल LIC करा के चढ़ा है। अगर जीवन में कुछ होगा भी तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा फिर बहुत सुख है जाने वाले भविष्य के लिए। क्यों ऐसा मेरे को ऐसे ही हम जाना सर दोनों प्रोग्राम में जाइए दो चार जना जाना लो तू लोग काहे जब उतर के हमारा डर लगता तू लोग चढ़ रहा हमारे पर धक्का ये बताइए कि हम 40 फीट पर कौन एंजॉय करता है जी? वो बेचारा हिंदी नहीं बताओ, नीचे रहोगे तो थोड़ा सा मारोगे इधर उधर कमर उमर हिलाओगे, ऊपर से पता चले थे कि जहाँ हिलने की पहली थोड़ा सा ध्यान दो तब तक जाने, यार डर लग रहा है मुझे ये कोनो बात। अब देखो उधर लंबा लंबा इधर भी चले पंडाल में भी आहा शंकर जी का मुड़ी पर बैठ के खेसरिया के एंजॉय कर लेगा। देखा हूँ मंदिरिया पर बैठ के बड़ा सा रे रे उतार रहा रे जगदम्बा उतार उतार मैंने लौकर देखे कि मंदिर है कालो कही कैसे जितना खुश हो जाएगी उधर कर के मेरी गलती क्या है? आप दुनिया में कहीं चली जाइए कि लेकिन दुनिया यही जानती है पगली को मैं समझाता हूँ, वही पगली नहीं मानता। पहली बार तो आपको समझ जाना चाहिए कि लोग हमें पसंद करते हैं तो पीछे डॉक्टर का है फ्रंट में आइए। कि कितने मजबूर हो घर इस जमाना के दूर से नहीं दुनिया में भर भर ब्रह्म विजय पर सरकार से